डीजल सस्ते होने की उम्मीद है। ये खबर आज काफी प्रमुखता से अखबारों में बनी हुई है और इसमें आप देखिए कि कच्चा तेल 21% सस्ता हुआ है लेकिन 6 माह से नहीं घटे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 10 और डीजल 6 से 8 रुपए सस्ता करने की गुंजाइश है लेकिन ये गुंजाइश तब सफल होगी जब इससे राहत लोगों को मिल पाए। तो रंजीत, ये जो कच्चे तेल की कीमत जो लगातार हम देख पा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या स्थिति है, और वैसे में अगर लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम बने रहते तो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर फैसला कर सकती है और सरकार भी इस तरफ जो पहली टिप्पणी उनकी आई है कि पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं ऐसी उम्मीद है, तो माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ी राहत होगी महंगाई से। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। एक तरफ महंगाई को देखते हुए खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो काफी जो है परेशानी झेल रहे हैं, और दूसरी बात है कि जब तेल के दाम में गिरावट आएंगी तो बेशक की आम जनता पे इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा और लोगों को राहत मिल सकती है। तो ये जो है कच्चे तेल के दाम में गिरावट की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है ये काफी लोगों के लिए अच्छी खबर है जी। इस खबर पे यशपाल आप किस तरह से देख पाते हैं? अनम्यूट करेंगे, म्यूट है आपका सोर्स, स्पीकर ऑन करेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर इस खबर में महंगाई जो है वो कंट्रोल होने की तो गुंजाइश है, क्योंकि अभी देश में कुछ राज्यों में चुनाव के लिए हालात हैं इसलिए तत्काल इस पर तो ये घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन गुंजाइश कहीं न कहीं है जिसमें तेल के दाम कम हो सकते हैं और जो आम जनता को है खासकर मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर होने की संभावना है ये। और ये निश्चित तौर पर जैसे चुनाव होते हैं या सही समय पर इस पर मैं मानता हूँ कि इस पर जरूर अमल होगा। और आप चुनाव का जिक्र किया तो निश्चित तौर पे दो राज्य जहाँ पे चुनाव को लेकर काफी कुछ सरगर्मियां देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, तो उससे भी संबंधित खबर है कि जम्मू कश्मीर में 1.25 लाख कश्मीरी पंडित वोटर, इनमें से घाटी में सिर्फ 6,000 और बाकी बाहर से वोट डालेंगे। 8 सीटों पर कश्मीर पंडित अहम पर यह स्थानीय वर्सेस बाहरी में बैठे हुए हैं, ये खबर काफी प्रमुखता से है। 14 पंडित उम्मीदवार, इनमें 16 अकेले हब्बा कादल में, पुनर्वास सुनते सुनते बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है अक्सर उस पर चर्चा होती रहती है, फिल्में भी बन चुकी है, लेकिन आज अखबारों में उस खबर पे काफी कुछ विस्तार से बातें कही गई कि कहां पे किन सीटों पे क्या स्थिति है। बहरहाल नीतेश, अगर कुछ प्रमुख खबरें जो आप देख पा रहे हैं अखबारों में जो प्रथम पृष्ठ में है। जी, अखबारों में एक खबर जो कि बहुत ही प्रमुखता से आपको बता दी, बस्तर से एक खबर आ रहा है, आपको बता दूं कि बीजापुर में जम्पे मरकाम गांव में जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों को मार दिया गया। आपको बता दूं कि जन अदालत एक अदालत है जिसमें आपको बता दूं कि नक्सलीय द्वारा इस अदालत को लगाया जाता है और किसी भी प्रकार की अगर किसी ग्रामीण या किसी भी व्यक्ति को अगर उन पर शक लगता है तो जन अदालत में उनको हाजिर होना पड़ता है और हाजिर होने के बाद नक्सली वहां अपना फैसला सुनाते हैं और जन अदालत का जो फैसला है लगभग मौत ही होता है। वहीं एक खबर जो कि अखबारों में भी प्रमुखता से रही, आपको बता दें कि नक्सलियों की बहरमगढ़ एरिया कमेटी ने जन अदालत लगाया था, आपको बता दें कि उसमें 2 ग्रामीण थे, उन पर मुखबिरी का शक लगा था, पुलिस मुखबिरी का, और बता दूं कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया और फांसी में लटका दिया। एक और खबर है जो कि इसमें प्रमुखता से, पूछताछ के बाद छात्र को छोड़ा, आपको बता दें कि नक्सलियों ने जम्पे मरकाम गांव के निवासी और मृत छात्रवास में रहने वाले एक 7वीं कक्षा छात्र को भी जन अदालत में बुलाया था, उस छात्र से उन्होंने पूछताछ किया और पूछताछ के बाद खबरें ऐसे आई कि उस छात्र को छोड़ दिया गया। आपको बता दूं कि जब छात्रवास के उनसे पूछा गया, शिक्षक से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि पिछले उनके संजन आए, उनके घर के लोग आए थे, उस छात्र को ले गए और उनको जन अदालत में ले जाने के बाद आपको बता दें कि उसकी खबर नहीं है अभी कहां पे, लेकिन खबर ऐसे भी आई थी कि उस छात्र को जन अदालत लगाने के बाद छोड़ दिया गया। चलिए बिहार की खबरों को देखे और अखबारों में वो खबरें जो प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पे है, तो कौन कौन सी खबरें देख पा रहे हैं आप रंजीत? जी बिल्कुल, अगर बिहार की खबरों का लें तो 76 योजनाओं से संवेगा सारण, डीएम ने किया, सीएम ने किया शिलान्यास व उद्घाटन। कल
पीएम नीतीश कुमार सारण के दौरे पर थे और उन्होंने 76 योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, जिसमें अगर देखा जाए तो उन्नाव से लेकर के कई ऐसे जगह थे, और साथ ही अगर अमनौर की बात करें तो अमनौर में सांसद रूडी से जैसे ही मिले सीएम तो उन्होंने बोल बैठा, लो भाई तुम्हारे घर आ ही गए ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि सीएम का इससे पहले भी दौरा होने वाला था जो कि उसको टाल दिया गया था, वो चुनावी दौर था, लेकिन इस बार सीएम ने सारण को बहुत अच्छे जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको दिया है पहाड़ स्वरूप, जिसमें सीएम ने जनजीवन हरियाली जीविका दीदी उसे लेकर के कई ऐसी योजनाएं जो है इसमें शामिल है। तो देखा जाए तो सीएम का यहाँ आना और आकर के इस दौरे से सारण को कई ऐसे उपहार स्वरूप योजनाओं से लाभान्वित करने का यह दौर रहा है। जी चलिए, तो सीएम के दौरे से हर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिलता है, कई सारी सौगातें मिलती है और जो काम लंबे समय से लंबित होते हैं उस पे त्वरित दिशा निर्देश के बाद में बहुत तेजी से काम भी होता दिखता है। और ऐसे में अगर सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस हो और उस पे पूरे प्रदेश की नजर हो, यशपाल आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सीएम ने सीधे तौर पर कई कलेक्टरों को कहा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और कई योजनाओं को लेकर यहाँ पे सवाल भी उठते नजर आए, खराब स्कूल बनाने वाले ठेकेदारों को जेल भेजकर करे वसूली ये कहा गया है, अफसरों के दुर्व्यवहार पर भी सख्त रवैया यहाँ पे देखने को मिला सीएम का, कलेक्टर कार्रवाई नहीं करे तो मैं करूंगा ये सीएम साय का कहना है, सीधा संदेश तेज तरह प्रशासन, राजस्व एवं शिक्षा के मामलों में देरी पर नाराजगी भी उन्होंने जताई है। यशपाल, इस खबर पे आप आम लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं? जी जी, निश्चित तौर पर ये इसकी कमी बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, लगातार चुनाव होते रहे हैं, चाहे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, और अभी तक के कोई जो आयोग है वो भी गठन नहीं किया गया है, और जो आम जनता में जो 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 समस्याएं हैं वो पैदा हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन के जो भी खबर थे, लेकिन अमल न होने के लिए ये जो सीएम सर हैं उनके पास बहुत सारे आवेदन जा रहे थे, जिस पर वो भी कलेक्टर से अभी इनको बैठक करके अभी आदेश दिए हैं और उनको संदेश दिए हैं कि अपनी भाषा शैली बदलें और मिशन मोड पर काम करें, और जो मोदी जी का मिशन है, जो गारंटी है, उसको निश्चित तौर पर पूरा करने के लिए अपना जमीनी स्तर पर आ जाए और जो अंतिम छोर की व्यक्ति है उनके सिद्धांत के अनुरूप और उस पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो शासन की योजना है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, ये ग्राउंड लेवल पर पहुंचे और जो वास्तविक में योग्य है उन तक पहुंचे खासकर। जी चलिए, इसमें ये भी बात है कि लोग भटकते रहते हैं, समय पर राजस्व मामले नहीं पड़ते, ऐसे में सीएम ने सीधे तौर पे कहा कि मामलों को निपटाया जाए, हर किसी को राजधानी आने की जरूरत नहीं है, जिले स्तर पे अगर उनकी समस्याएं सुन ली जाती है तो राजधानी में जिस तरह से जनदर्शन में जो एक के बाद एक कई सारी समस्या आ रही थी उससे लोगों को राहत भी मिलेगा। और सीएम साहब ये समझ चुके हैं कि जिले में काम अगर हो जाएगा सही तरीके से तो किसी को राजधानी नहीं आना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने इस पर काफी जोर भी दिया। सीएम के इस कॉन्फ्रेंस की क्या क्या खबरें आप नीतीश देख पा रहे हैं अन्य अखबारों में? जी, आपको बता दो कि सीएम कॉन्फ्रेंस के अखबारों में भी प्रमुखता से इस खबर को भी रखा गया है। आपको बता दें, कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में 6 माह में निपटाएंगे राजस्व प्रकरण। वहीं आपको बता दें कि सीएम बोले शैली बदलें, जो गलत होगा उसे दंडित भी करेंगे। सीएम ने बहुत से कलेक्टरों को सराहा भी और बहुत पे नाराजगी भी जताई। कल ही बहुत ही प्रमुखता से खबरों आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि सीएम जमीनी स्तर से योजनाओं को देख रहे थे और जो काम नहीं हुआ उन पे भी अपनी राय दे रहे थे कि काम हो जाना चाहिए, योजनाएं जो हो जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि संवेदनशील व सादरता के साथ लोगों की समस्याओं को सुने। वहीं आपको एक और बता दूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की भाषा शैली मर्दानी होनी चाहिए।
स्थानीय समस्याएं जिले में ही निपटेंगे, लोगों को राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रकार की अखबारों में खबरें जो कि प्राथमिकता से रखी गई है जी। और मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है जो अखबारों के जो सोशल मीडिया साइट्स होते हैं उस पर जो देखने को मिला है प्रमुख खबरें कि हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले भंग, एमपी में आर्मी अफसरों से मारपीट, दोस्त से गैंगरेप, ममता बोली में इस्तीफे देने को तैयारी। ये तीन खबरें जो है काफी प्रमुखता से है। और देखा जाए ममता बनर्जी की से संबंधित जो खबर है अखबारों ने भी काफी प्रमुखता से रखा है। कोलकाता दुष्कर्म हत्या बैठक के लाइव टेलीकास्ट पर नहीं टूटा गतिरोध, मैं देश के लोगों से माफी मांगती हूं, लोग चाहते हैं तो इस्तीफा देने को भी तैयार हूं, ममता बनर्जी। इंतजार में सरकार 2 घंटे बैठी रही, ममता नहीं आए डॉक्टर, ममता के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, ये राज्यपाल का कहना है। 40 मिनट देर से पहुंचे डीजीपी सीएस मनाते थे। तो ये खबर आज अखबारों ने काफी प्रमुखता से यहां पर रखा है और समझा जा सकता है किस तरह कोलकाता की स्थिति है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर हर राज्य में कहीं न कहीं कम बेस स्थिति, इसमें काफी कुछ राजनीति होती नजर आ रही है। और जो विपक्षी जहां पे जो पार्टियां हैं जिन राज्यों में, वो मुखरता से सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है रंजीत जी। बिल्कुल सही कहा आपने, महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्षी जो है पलटवार कई ऐसे बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो अब जो कानून है वो काफी एक्टिव होते और उससे अमल करते हुए दिख रही है। और महिला सुरक्षा की जहां तक बात है तो महिला सुरक्षा के लिए चौकन्ना प्रशासन का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर पहले इतनी सावधानियां नहीं बरती गई थी जितनी अब हो रही है। और महिला सुरक्षा को लेकर के काफी जो है चिंताएं पहले बनी रहती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर के जागरूकता जो है आई हुई है और यह काफी सराहनीय है जी। चलिए महिला सुरक्षा पे यशपाल आप भी देख पा रहे हैं कि काफी कुछ चर्चा इन दिनों हो रही है, कांग्रेस इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाती नजर आ रही है जी। निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा की बात करें तो कांग्रेस वास्तविक में देखा जाए तो कांग्रेस अब इस मामले में उतना उग्र नहीं है जितना होना चाहिए। जिस हिसाब से यूपीए का देश में शासन का निर्भया कांड जो हुआ था उस समय जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, जिस उग्रता के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया था, उस हिसाब से यदि महिला सुरक्षा जो अभी उनकी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो कलकत्ता में जो कांड हुआ है उस हिसाब से यदि व्यापक रूप से होता और इस मामले में स्वयं उपराष्ट्रपति नहीं, यशपाल देखिए ये तो मुद्दा, लेकिन आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी यशपाल छत्तीसगढ़ में भी बड़े स्तर पे इस पे कांग्रेस मुखरता से यहाँ पे बात रखी जा रही है। क्योंकि अभी आप देखिए कि कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, अभी हाल ही में मैं ये भी देख पा रहा था कि कुछ कमेटियां भी कांग्रेस ने बनाई और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट वो भी 15 सितंबर को आने वाले हैं। मैं एक देख रहा था खबर कि जिसमें कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और प्रताड़ित करने का जो मामला है, बिलासपुर का ही मामला है, आप समझिए कि बिलासपुर जिले के पचपरी कन्या छात्रावास का मामला है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर छात्राओं के साथ में जो ये कर्तव्य जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि छात्राओं की जो आबरू है वो बची रहे, इस तरह के वीडियो ना बने, वही लोग अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर क्या समझा जा सकता है। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि सुरक्षा दे, वही अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी हटे और इस तरह की खबर निकल के सामने आएगी तो निश्चित तौर पर इसमें सभी को सोचने की आवश्यकता है और इस पे कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए कि जो भी कानून तोड़े उनके खिलाफ में ठोस कार्रवाई हो। क्योंकि अभी अपराजिता कानून जिसको लेकर काफी कुछ चर्चा होती नजर आई, तो ठोस कानून अगर होगा तो निश्चित तौर पर डर भय एक बना रहेगा। चलिए यशपाल कुछ महत्वपूर्ण खबर जो आप रखना चाहिए इस कार्यक्रम के जरिए। मुख्य स्थानीय खबरों में जीरा अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आग, ऑक्सीजन पाइप फटा, कमरों में भरा पानी, ये मुख्य रूप से ये खबर दी गई है। गांजा तस्करी ने महिला में 2 गिरफ्तार, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा 15 तारीख को, मरम्मत के सप्ताह भर बाद भी नहर पुल पर गड्ढे बने हुए हैं, ये प्रमुखता से जो खबर है वो दी गई है। और एक विशेष खबर पर मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसमें
बात बात पर आंदोलन की धमकी। मामला ओबीसी सर्वे का है जिसमें अकलतरा सीओ हिमांशु गुप्ता जी के द्वारा मीटिंग हुआ था शिक्षकों से जिसमें शिक्षकों ने आरोप लगाकर सचिव और रोजगार सहायकों को खबर आरोप लगाया, जिससे सीओ ने स्पष्ट किया कि आप लोग काम करिए, दूसरे के ऊपर आरोप न लगाए। इस पर मामले की बात पर क्षुब्ध होकर शिक्षकों ने आंदोलन की धमकी दे डाली और इस पर ज्ञापन हुआ। ये मुख्य रूप से ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। और एक और है पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति सम्मान समारोह जो खड़ग में आयोजित होगी, ये मुख्य रूप से अभी इस क्षेत्र में खासकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर की श्रृंखला में देखें तो चांपा में व्यवस्थित बाजार नहीं, खुले में बिक रहा मांस, पराली कला में साबूदाना से बनी गणेश प्रतिमा कर रही आकर्षित। शतरंज प्रतियोगिता में 12 कॉलेज के 120 स्टूडेंट ने दिखाई प्रतिभा। अगले खबर में नो एंट्री के मामले में आदेश बदला, लोग नाराज। अकलतरा बलौदा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 12 दिनों से भारी वाहनों के नो एंट्री का जो आदेश लागू हुआ था वो 9 बजे से 11 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे कर दिया गया आदेश बदल कर। ये पहले सुबह से लेकर रात तक था जो कि अब ये आदेश बदल दिया गया, जिसे वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको उन लोग इसके जो पुराने आदेश है वो बहाली की मांग कर रहे हैं। ये है मुख्य रूप से। ये नितेश आप कौन कौन सी खबरें देख पा रहे हैं? जिस स्थानीय खबर जो कि प्रमुखता से रखी गई है, रविवार से फिर झमझमा वर्षा के आसार, अभी 2 दिन रहेंगे राहत। एसीबी ने एक साथ कवर्धा और महासमुंद सहित 4 जिलों में की कार्रवाई, 1,76,000 रिश्वत के साथ 5 को दबोचा। चोरी के रकम से की सपरिवार तीर्थ यात्रा, लौटे तो पकड़े गए। विद्युत कंपनियों में आईआर की जगह अब लागू होंगे आईटी एक्ट। वहीं आपको बता दें कि 88 लाख की ठगी, खाते उपलब्ध करवाने वाले शिक्षक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। ठगी का फरार आरोपी गुजरात में पकड़ाया। वहीं आपको बता दें कि एक खबर जो कि कल चर्चे में भी थी कि दशहरा और दिवाली में 6-6 दिन की छुट्टी। जी, इन खबरों को अखबारों में चलिए। रंजित, मौसम की क्या स्थिति है बिहार में? मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में काफी आर्द्रता जो है देखी जा रही है और बारिश हल्की फुल्की 2-4 रोज में हो रही है। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो मौसम अब यहाँ का बिल्कुल ही गर्म चल रहा है। और अखबारों की अगर बात करें खबरों में तो कल का पूरा दिन मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसको लेकर सारे अखबार जो है बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। मुख्यमंत्री ने सारण जिला के राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मढ़ौरा में 306.63 लाख रुपए की लागत से वर्कशॉप एवं 1 लैब के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 59.93 करोड़ रुपए योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, जिसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा में 300 की क्षमता वाले 2 छात्रावास का उद्घाटन भी किया। तो अगर देखा जाए तो इतनी सारी योजनाओं का शिलान्यास वो भी सारण जिला में, क्योंकि सारण जिला चुनावी दौर में काफी सुर्खियों में देखी भी गई है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर अगर इस जिला को इतने सारे योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो ये काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है सारे अखबार। चलिए अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को प्रमुखता से देख ले। मकबा नेता येचुरी का निधन, और सभी ने इस पे शोक व्यक्त किया है। दशहरा दिवाली पर 6-6 दिन की छुट्टी रहेगी, जो नीतेश बता रहे थे। अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से रखा है। जादू टोल के शक में 4 लोगों की हत्या हुई है। कसडोल में डंडे कुल्हारी से हमला, 3 गिरफ्तार। मुआयने के बाद कार्रवाई। शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग का आरोप, दावा 6 सिविक्स बैंकों में अदानी समूह के 2600 करोड़ रूपये जब्त। देश की 25 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। जल्द मिलेगी सुविधा, ट्रेन में खाने की ऑनलाइन प्री बुकिंग, पैसे रेलवे लेगा, यात्री संतुष्ट हो तभी ठेकेदार को भुगतान। देर से या कम मात्रा होने पर जुर्माना भी है। नए नियम तय, चार्ट तैयार होने के बाद नहीं होगा रिफंड, ऐप पर पेमेंट, फर्म को बाद में। मतलब रेलवे लेगा पहले, खाना बेहतर होगा,
फिर रेलवे इसका पेमेंट करेगा, नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है। ये नई व्यवस्था रेलवे विभाग में बहुत जल्द जारी होगी, जिससे यात्रियों को बहुत कुछ सहूलियत मिल सके। एक अन्य खबर जो काफी कुछ इस पर सियासत हो रही है पूरे देश में पक्ष विपक्ष, सीजेआई के घर प्रधानमंत्री मोदी के गणपति पूजन का मसला है। मनमोहन की दावत में सीजेआई गए थे, ये भाजपा का कहना है। सीजेआई हमारे केस से अलग हो, शिवसेना उद्धव ने आरोप लगाया। तो गणपति की पूजा में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उसको लेकर काफी कुछ बयान कल सोशल मीडिया पे इस पर काफी कुछ चर्चा होती रही और आज अखबार ने भी काफी प्रमुखता से रखा है। डेढ़ घंटे की तेजी से सेंसेक्स पहली बार 83,000 के पार पहुंचा है और ये खबर भी प्रमुखता से है। जरूरत अपनी अपनी धाम पर नहीं, बिजली पानी और अस्पताल देने वालों को वोट देंगे। ये जो वोटर्स हैं जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के वोटर्स ने ये अपनी बात रखी है। तो अखबार की सुर्खियों में बस इतना ही। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए रंजीत आपका, यशपाल आपका, सती नितेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण छुपे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।